नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी न्यूज में। इस साल सतना कृषि उपज मंडी में होली से पहले रवि की नई फसल की आवक शुरू हो गई है। फसल अच्छी होने के साथ मंडी में समर्थन से अधिक मूल्य मिलने के कारण किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मंगलवार को सतना मंडी में अनाज की आवक 1776 बोरा रही, वहीं इसमें 260 बोरा नई फसल शामिल है। मंडी में नई फसल का श्री गणेश होने से व्यापारियों में भी खरीदी के प्रति उत्साह देखा गया। व्यापारियों ने नई फसल की बढ़ चढ़कर डाक बोली और बता देते हैं कि जिसमें गेहूं, चना, मसूर के साथ किसानों को सभी फसलों के अच्छे भाव यहां पर मिले हैं। मार्च में मसूर की नई फसल आने से सतना मंडी में इसकी आवक बढ़ गई है। मंगलवार को मंडी में नई मसूर की आवक 517 बोरा रही, जो कि मंडी आने वाले अन्य फसलों में सबसे अधिक थी। वहीं नई सरसों की आवक 151 बोरा रही। व्यापारियों ने यह बताया कि इस साल देश में दलहन व तिलहन की मांग बढ़ी है, वहीं इससे मंडियों में नई फसल आने के बावजूद दाम नीचे नहीं गिर रहे हैं। वहीं दाम बढ़ने से दलहन की खेती करने वाले किसानों को मंडियों में उपज के समर्थन से अधिक भाव मिल रहे हैं।